वो भी कीमत दे अपने बच्चों को, 3 साल वो भी कीमत दे, उनका जुनून ऐसा ही रखे जिस तरह के अपने पिता अपने मतलब कि लड़की के लिए किया। मैं यही बोलूंगी कि कोई धर्म का प्रचार नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ कैसा होना चाहिए, कैसा कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए बस। और किस्मत का लकीर होता है भाई साहब, ठीक है, किस्मत जो है वो लकीर होता है। इनका जज्बा और मेहनत जारी था, इनका साक्षात पिताजी का आशीर्वाद इन पे था। हमारी पंचायत में है और चिकनी गांव में है, हमारे साथ जो कियारी के वार्ड सदस्य हैं और इस समय इस गांव के बिटिया जिसने SDM बन के इस गांव की परचम लहराई है, उनके हाथ में श्री भगवत गीता का एक बुक थमा रहे हैं। अच्छा मैडम, ये बुक लेने के बाद कैसा लग रहा है आपको? आप देख सकते हैं कि मेरे चेहरे पे बहुत मतलब मुस्कान आ गया था। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं बहुत टाइम से मैं यही सोच रही थी कि अगर सिलेबस से मैं निकलूंगी तो मैं सबसे पहले गीता पढ़ूंगी, और आज आपका वो भी सपना पूरा हो गया। जी मैं बहुत यानी सोच रही हूं और आपको मिल रहा। जी मेरा यही था कि एक बार जब सिलेबस से निकलूंगी मैं सिलेबस कवर करूंगी तो फिर मैं गीता पढ़ूंगी। भगवान आंख मूंद के सब आपको देते जा रहा है, जो चाहिए ले लो, बस वही मन साफ रहेगा तो सब मिलेगा। जी जी, आपने भगवत गीता दिया है, क्या सोच कर दिए हैं आप? ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे जो कियारी पंचायत में बहुत गर्व हो रहा है कि मैं भी एक जो कियारी गांव का रहने वाला हूँ, यहीं पे मेरा जन्म क्रम हुआ है। तो आज मैंने ये चीज़ इन्हीं के लायक था, जो गीता में सब चीज़ सब ज्ञान है और इस गीता के माध्यम से इसी ज्ञान से हम लोग सब आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारे बहन का मतलब कि इतना ये खुद कह रहे हैं कि हमें यही चीज़ का जरूरी था जो आप, तो हमारे दिल में इच्छा से मतलब कि एक सप्ताह पहले हमने सुना कि बहन स्टेडियम बन गई है तो हम बहुत खुश हुए थे। हम सोचे थे कि हम जाएंगे अच्छे से बहन का, और आप फोन भी किए थे हमको। जी जी जी, तो इसीलिए हम अपने अपने माध्यम से एक छोटा सा इसको बहुत कीमती चीज़ जो गीता है इसका आप बहन को हम लाकर और सम्मानित धर्म के प्रति भी आप जागरूक करना चाहते हैं। जी धर्म का नहीं, ये तो खुद ठीक है, ये खुद आप पढ़िए, आपको खुद पता चल जाएगा कि गीता में क्या ज्ञान है, आप सीधे सीधे अच्छे के राह पर चलने लगेंगे। जी सच्चाई और सच के राह पर चलना चाहिए। जी मुझे गर्व हो रहा है ऐसे पिता पे जो बहुत सारे मतलब कि गांव के हैं तो हम लोग को मालूम है ही, बहुत सारे झेल कर गरीबी झेल कर कास्ट का माध्यम डिपेंड नहीं रहता है, जिगरा चाहिए, ठीक है जिगरा चाहिए जो इनके पास है, ठीक है। एक पिकअप रात दिन हमारा बिजनेस भी है, अपन जाना आना सब चीज़ के हालत में काम करते थे, उससे गर्व ये चीज़ का है कि जो कोई लड़का जल्दी नहीं कर पाता है वो मेरी बहन की है, ठीक है। बहुत समाज में ऊंच नीच देख कर कि हाँ पढ़ने के लिए भेज दिए वो, हम लोग भी दिल्ली गए, घर का लोग बोला कि अब नहीं हो पाएगा तो आ जाओ और इतनी करो, लेकिन हम तो कहेंगे कि इनके पास जो मतलब कि हौसला और इसी था जुनून था वो चीज़, हाँ वो चीज़ उसी पर अड़े रहें, अपने कीमती समय मेहनत देख कर अपने लड़कों को भी पढ़ाएं लड़की को भी पढ़ाएं। और किस्मत का लकीर होता है भाई साहब, ठीक है, किस्मत जो है वो लकीर होता है। इनका जज्बा और मेहनत जारी था, इनका साक्षात पिताजी का आशीर्वाद इन पे था, इनको देख रही थी कि हमारे पिता किस तरह का कमजोरी और किस तरह कमा के 2 रुपया कैसे कर रहे हैं, जो कीमत को कीमत बुझता है ना वही आगे सफलता करता है, वही मेरी बहन। पहले बबुआ के पापा कहता था लेकिन अब बबी के पापा कहेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ के लोग तो हमारे ही नाम से जानेंगे, हम जैसे बाहर के लोग तो जानेंगे ना, अभी तो पूरा लोग जान रहा है, सोशल मीडिया पर आपकी का चर्चा चल रहा है कि रामदास जी के बेटी SDM बन गई। ये भी खुशी की बात है, ये अभी खुशी की बात है, मतलब हर व्यक्ति के अपने बच्चे से ही उम्मीद होता है, तो ये तो खुशी की बात है कि मेरी बेटी के मैं अपने बेटी के नाम से जाना जाऊँ, हमारे तो यही खुशी है। क्या कहना चाहिएगा गीता के बारे में, कुछ 2 शब्द बोल दीजिए ताकि हम समझ क्या फिर। मैं यही बोलूंगी कि कोई धर्म का प्रचार नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ कैसा होना चाहिए, कैसा कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए बस ये है इसमें। और सिलेबस तो ठीक है, ये आपको एक पद दिला सकता है लेकिन जीवन में कैसे आगे बढ़ना है वो इसके लिए गाइड की तरह है, ये एक गुरु है, एक शिक्षक है, तो मैं इसको उसी की तरह मैं इसको मतलब प्रणाम कर रही हूँ और बस मैं इसी के साथ आगे बढ़ूंगी। यानी गीता का ज्ञान लेकर लोगों को इंसाफ कीजिएगा। जी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गीता का ज्ञान लेके ही इंसाफ करूंगी, वो मेरा मतलब प्रोफेशनल होगा और ये पर्सनल लाइफ है, तो कहीं ना कहीं जो ज्ञान है मेरा हमेशा नॉलेज का क्रेविंग रहता था, एक्सप्लोर करने का मन करता था, लाइफ के अलग अलग आयाम है उसको जानने का मन करता था, तो बस मुझे लगता है कि ये कंट्रीब्यूट करेगा, यानी कहीं ना कहीं मोटिवेट मतलब इसे मोटिव आदमी होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी बार कुछ कहना चाहेंगे? एक और आपके सच एक मुद्दा के न्यूज के माध्यम से एक हर व्यक्ति और गार्जियन के एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने बच्चे को 1 से नर्सरी से लेकर 10th तक खूब जुनून से पढ़ाते हैं, कहते हैं कि मेरा लड़का पढ़ेगा, फिर 10th होता है पास होता है, फिर इंटर करता है, फिर ग्रेजुएशन 3 साल मात्र रहता है ग्रेजुएशन करने के लिए, 3 साल के लिए गार्जियन टूट जाते हैं, मनोबल अपने बच्चे को मतलब कि मनोबल डाउन करा देते हैं। हम कह रहे हैं उस माता पिता से कि 3 साल वो भी कीमत दे अपने बच्चों को,
तीन साल वो भी कीमत दें, उनका जुनून ऐसा ही रखे जिस तरह के अपने पिता अपने मतलब कि लड़की के लिए किए हैं। तीन साल समय दें, उनको जुनून दें, उस तरह का सब सब बच्चों को दें एकदम, मतलब कि जो भी होगा नौकरी एकदम कि पाएगा। सब लोग कह रहा बेटी होके तो डिंपल जैसा होके, ज्योति रानी जैसा होके। सब बेटी के पास इच्छा है, हर हर पिता चाहे कि अपना लड़की को पढ़ाए। समाज से आज समाज मतलब कि आपको गांव क्षेत्र है, इस गांव क्षेत्र में देखिए कि एक बहन है, छोटी मोटी जी एसडीएम की बात नहीं है, वहां पे अखड़ के रह जाते एक नंबर के लिए। दिल्ली में जो भी टीचर बैठे हुए हैं एक एक नंबर डेढ़ नंबर से उनकी मतलब के छट जाते हैं, छट जाते हैं उनकी इतनी मतलब कि किस तरह का हालात है, कैसे निकला जाता है। ये छोटा मोटा कोई इतनी नहीं है, हम कहेंगे कि हर माँ बाप जिस तरह नर्सरी से ट्वेल्थ तक सपोर्ट कर रहे हैं, ग्रेजुएशन भी कराएं, अगर वो मेहनत और सफलतापूर्वक होगा तो जज्बा होगा तो एकदम जरूर। बहुत हार्ड वर्क की है जैसे बता रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क की है। जी बिल्कुल, क्योंकि स्मार्ट वर्क करना चाहिए लेकिन हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है ना। और मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि मेरा दो साल जैसे 66 और 67 2020 से मैं अक्टूबर से मैं लगी हूँ बीपीएससी के एग्ज़ाम में, तो ऐसा नहीं कि मेरा ये सिर्फ दो साल का मेहनत है। अगर मैं इसको इतने कम समय में कर पाई हूँ तो ये देखना भी उतना ज़रूरी है कि मैंने उसके पीछे मतलब नर्सरी से लेके मैंने अभी तक जो पढ़ाई की, जो मेरा जर्नी रहा वो कैसा रहा। लेकिन महिलाओं के बारे में आप क्या सोचती हैं आखिरी बार? मुझे लगता है कि महिलाओं को अगर मतलब इस पैट्रियार्कल सोसाइटी से बाहर मैं बता रही हूँ कि इस पैट्रियार्कल सोसाइटी से में अगर बाहर निकलना है, उनको सशक्त बनना है, तो उनको आत्मविश्वास रखना होगा, उनको अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि घरेलू जो भी उनका डोमेस्टिक सर्कल है उसके साथ साथ, क्योंकि उनमें वो कैपेबिलिटी है तो उसको आइडेंटिफाई करें और पैर पे खड़े रहें वो अपने, वो कोशिश करें कि कुछ ना कुछ फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए। अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाती हैं तो पॉलिटिकली या फिर आप ये कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग में भी उतना ही उनका जो कैपेबिलिटी है वो जनरेट हो जाएगा। तो मैं यही बोलूँगी उनसे कि मतलब अपने पैर पे खड़े होने का कोशिश करना चाहिए। एक बात दिल से मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा पिता का आशीर्वाद सबको मिले, शायद अब मेरा जॉब लगे या ना लगे ठीक है, लेकिन आशीर्वाद बने रहे, हम अच्छाई के राह पर चलते रहे और सब लोगों का सफलता और भलाई के बारे में सोचे। एक बार दिल से आशीर्वाद दीजिए। चलिए भैया, चलिए चलिए, आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की।